मेरी बात सुनो, हम ज्ञापन दे ज्ञापन दे तो शांति बोल महाविद्यालय के अंदर मैंने और मेरे सहयोगी साथियों के द्वारा प्राचार्य महोदय के समक्ष हम गए, हमारी कुछ जायज मांगे थी, उन मांगों को लेकर के, तो उन मांगों को जब हम प्रिंसिपल महोदय के सामने पेश किया तो प्रिंसिपल ने हमने मानहानि दावा करने का केस बोला है। उन्होंने बोला कि आप इस कॉलेज में आ नहीं सकते हो, आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और आपके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। यानी कि कहां तक ये जायज है शिक्षा के मंदिर में कि हम यदि स्टूडेंट के हित की बात को लेकर के यदि प्रिंसिपल महोदय के सामने जाते हैं तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है। ये प्राचार्य महोदय DAV कॉलेज के प्राचार्य महोदय के द्वारा ऐसे बल्क बयान दिए जा रहे हैं और हमारे को पुलिस प्रशासन के बलबूतों के साथ में हमारे को कॉलेज से बाहर किया जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांगे थी उस मांगों को बिल्कुल साइड में करके और हमें इस कॉलेज से बाहर भगाने की कोशिश की है। हमारा कोई भी ज्ञापन जो हमने दिया है उस पर किसी भी प्रकार का उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया है। प्राचार्य पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, आपका कोई सबूत है? सर हमारे पास ऐसे अनेक सारे सबूत है सर कॉलेज के अंदर। प्राचार्य महोदय ने जब इस कॉलेज के अंदर विज्ञप्ति निकाली है सर, तो इन्होंने अपनी बेटी को सर MA की हुई बेटी को अपनी बेटी को ही लगा लिया सर कॉलेज के अंदर। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ही अपनी बेटी को इस कॉलेज में MA की हुई को लगा लिया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, पहला भ्रष्टाचार ये है सर। सर और दूसरी बात, ये कॉलेज के अंदर इन्होंने पार्किंग माफ की है, तो बच्चा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा तो अपनी गाड़ी का ध्यान रखेगा या फिर वहाँ से या पढ़ाई करेगा? यानी इनका कहने का मतलब हम गाड़ी का पेट्रोल निकाल के बेच भी देंगे ना तो वो कॉलेज पे करेगा इस चीज़ का। इन्होंने ऐसी दुकानें खोल रखी है कॉलेज के अंदर, इन्होंने पैसे कमाने का जरिया बना लिया इस कॉलेज को, ना कि शिक्षा के मंदिर से कोई मतलब नहीं है। हम सर अब यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो इस कॉलेज को बंद करवाएंगे, चाहे हमें और मेरी टीम को चाहे जेल जाना पड़े और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इस आंदोलन को हम आगे उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे सर। सीताराम DAV कॉलेज अजमेर सीताराम।